नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनु राशि वालों, दोस्तों पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 24 घंटे के भीतर यह घटना आपके साथ होकर रहेंगी, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष के सभी ग्रहों ने अपनी चाल कुछ ऐसा घुमाया है जिससे आपकी कुंडली में अष्टम भाव और पंचम भाव ऐसे संकेत दे रहे हैं कि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि दोस्तों 7 मार्च को जो होने वाले हैं उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस दिन आपके जीवन काल में जो घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों, उसके प्रति आप लोगों को पहले से ही सचेत और आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह की छाया और शुक्र का जबरदस्त प्रभाव आपके इस दिन को शानदार बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इस दिन कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं होंगी, तभी आपके लिए इस दिन खास दिन और शानदार दिन साबित हो सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबत वाला दिन भी साबित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको सारे के सारे जानकारी बताएंगे कि आप लोगों को आखिर इन 24 घंटे के समय अवधि में कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ताकि आपको अपने जीवन काल में किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना आपको ना करना पड़ेगा, साथ ही इस दिन आपको कौन सी गलतियों को भी करने से बचना होगा, और आज आपके ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह आपके ज़िंदगी में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे इस दिन आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगे, घर परिवार का माहौल कैसे रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको सारे की सारी जानकारी पूरी सटीक बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास एक बहुत ही कारगर उपाय हम बताएंगे। दोस्तों, आप लोग इस उपाय को अगले 24 घंटे के भीतर कर लेंगे यानी कि मंगलवार के दिन कर लेंगे, तो मैं किन के साथ कहता हूँ कि आप जिन मुसीबतों का सामना सालों से करते आ रहे थे, दोस्तों जो परेशानियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उन सारी परेशानियों से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगी और भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगी और आपके जीवन के सारे संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले भगवान संकट मोचन हनुमान जी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से 3 बार जय संकट मोचन हनुमान जी, जय संकट मोचन हनुमान जी और जय संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखें, आपके जीवन की सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन की पंचांग। दोस्तों, इस दिन मंगलवार का दिन है और दोस्तों मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 6:10 के उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएंगी और दोस्तों उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर सुबह की बात करें दोस्तों धृति योग रात्रि 9:14 के उपरांत सूर्य योग प्रारंभ हो जाएंगे और राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद ही अशुभ समय की बात करें दोस्तों शाम 3:33 से लेकर के शाम 5:01 तक रहेंगे। यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में कोई भी संकट आ सकते हैं। और दोस्तों अगर अभिजीत मुहूर्त समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद शुभ समय की बात करें दोस्तों सुबह 11:10 से लेकर के दोपहर 12:37 तक रहेंगे। यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं और शुभ भी रहने वाले हैं। और दोस्तों सूर्य कुंभ राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात। तो दोस्तों ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं हम आपको सारे की सारे जानकारियां पूरी सटीक बताएंगे। दोस्तों समस्त ग्रहों की चाल से आने वाले दिन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये दिन आपकी कुंडली में
मंगल ग्रह की छाया पड़ चुकी है और शुक्र का जबरदस्त प्रभाव भी पड़ चुके हैं और इसके साथ चंद्रमा भी आज पूरा दिन और पूरा रात आपके सिंह राशि पर रहेंगे, तो ऐसे में दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज आपको कुछ गलतियों को करने से बचना होगा और कुछ सावधानियां भी इसमें आपको रखना होगा। जैसे कि दोस्तों आज आप लोगों को कार्य क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में और आपको व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास और भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो आपकी इसी विश्वास का फायदा उठाकर, आपकी इसी भरोसा का फायदा उठाकर आपको वही लोग धोखा दे सकते हैं। तो आज आप लोगों को किसी पर भी विश्वास करने से बचना होगा और आज आप जो भी कार्य करेंगे दोस्तों स्वयं ही करेंगे तो आपके लिए कारगर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी भूल, आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो आज आपको विश्वास करने से बचना होगा और आज आप लोगों को किसी भी विवादों में पड़ने से बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज आप लोगों को विवादों से ज़रा दूरी ही बना कर रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आप लोगों को बिना कारण के किसी प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकते हैं। आज आपको विवादों से, झगड़ों से बहुत ही दूरी बना कर रखें तो आपके लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है, नहीं तो आपकी एक छोटी सी भूल आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और दोस्तों आज आपको अपनी वाणी पर भी मधुरता रखने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी, क्योंकि आज आपकी वाणी से ही बात बनेगी और आपकी वाणी से ही बात बिगड़ेंगी। तो आज आप अपने मुख से किसी भी इंसान को बुरा भला बिल्कुल भी ना कहें, नहीं तो आपका बनी बात भी बिगड़ सकती है। तो इस बात को आज अपने ज़रा ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपको पछताना भी बाद में पड़ सकता है। और दोस्तों व्यापारियों और कारोबारियों और नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक दिन रहने वाले हैं। दोस्तों आज काम धंधे के समय व्यापार में ग्रह की चहल पहल में बढ़ोतरी काफ़ी अच्छी होंगी, जिसके फलस्वरूप आज बिक्री में काफ़ी अच्छा प्रभाव भी होंगी और आज आपको मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। और दोस्तों फैशन आधारित कॉस्टमेट उत्पादकों से जुड़े कार्यों में आज काफ़ी अच्छी तेजी की स्थिति भी बनी रहेंगी। और दोस्तों ब्यूटी पार्लर से संबंधित जातक आज अच्छा कारोबार भी करेंगे और काम में आज व्यवस्थता भी काफ़ी अच्छी बनी रहेंगी और आज भूमि संपत्ति संबंध किसी भी सौदे को लेकर बात आगे भी बढ़ सकती है। और इस राशि के नौकरी करने वाले जातक महीने के दूसरे दिन में ऑफिस में अपने कार्यों को लेकर अधिक आस्वाद भी रहेंगे और समय पर सभी काम को पूरे भी करेंगे, जिनसे आपका मन काफ़ी खुश ब्याज दिखाई देंगे। और दोस्तों अगर स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए तो स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेंगे, लेकिन आज आपको बाहर के तले भुने खाना खाने से बचना होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य आज थोड़ा बहुत खराब भी हो सकता है। और दोस्तों जो छात्र परीक्षा एवं प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों उन छात्रों को आज कुछ ऐसे बड़े शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, जिनसे वे लोग सुनकर काफ़ी खुश भी दिखाई देंगे। और प्रेम संबंध की दृष्टि में देखा जाए तो समय आप लोगों के आज बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। दोस्तों जो लोग काफ़ी लंबे समय से किसी को प्रपोज करने की प्रयास कर रहे हैं, तो आज अगर आप ऐसा करते हैं तो आज आपकी बात भी बन सकती है। और दोस्तों अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों आज घर परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी और पारिवारिक संबंधों में आज काफ़ी अच्छा मिठास भी आएंगी। परिवार के मुखिया द्वारा एक दूसरे को आज लुभाने का प्रयास भी करेंगे और जीवन साथी के साथ आज कहीं पर भी बाहर घूमने फिरने का प्लान भी आप लोग बना सकते हैं। आज समाज में आपका मान सम्मान काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे और आज इसी को लेकर आपके घर में कोई भी आयोजन भी हो सकता है, जिनसे पूरे घर में आज खुशी का माहौल काफ़ी अच्छा बन सकता है। जी दोस्तों तो आए दोस्तों हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आने के मंगलवार के दिन आप लोगों को वो कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। दोस्तों आप लोग मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही बजरंगबली को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें। दोस्तों इससे आपको जल्दी ही नौकरी मिलेगी और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी और भगवान हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगी और आपके जीवन के सारे संकट भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।